नीट 2025 बहुत सारे बच्चों का सपना है डॉक्टर बनना, और उस सपने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो उनकी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो उनके बोर्ड में नहीं हो पा रहा है। NIS बोर्ड कैसे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाने में मदद करेगा, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके साथ ही हम इन कन्फ्यूजन्स पर भी बात करेंगे, जैसे कि NIS बोर्ड की कितनी वैल्यू है, क्या MBBS करने में कोई प्रॉब्लम होगा, एब्रॉड एजुकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप 12th पास हैं तो क्या फिर से NIS बोर्ड दे सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, काउंसलिंग में कोई इशू तो नहीं होगा। आज का ये सेशन आप सभी बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम हर वो पॉइंट पे बात करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूँ GCC NIS क्लासेस में। सो फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं NEET 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों का जो मार्क्स होना चाहिए ऐड होकर वो 150 होना चाहिए, और ये आप सभी जानते होंगे। बस देखो, सिंपल सी बात है, मान लो इसमें मेरे 50 हैं, मान लेते हैं इसमें मान लो मेरे 70 हैं, ऑलरेडी मेरे 120 कंप्लीट हो रहे हैं। अगर मैं इसमें पास भी केवल रहूँगा 33 से, तब भी मेरा काम हो जाएगा। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या रहा है, कई बच्चों के पास बायो है ही नहीं, और अब तक वो क्या कर रहे थे, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे थे और अपनी एलिजिबिलिटी को बना रहे थे। लेकिन अब तो ऑन डिमांड का एग्जाम भी खत्म होने वाला है, तो अब क्या करना चाहिए, यही तो हम वीडियो में बताने वाले हैं आपको। इसके साथ ही इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होता है और वो लगभग बच्चों के पास होता है, लेकिन एक सही वे में एंडिंग में कैसे हम लास्ट अपॉर्चुनिटी अपने पास रख सकते हैं और NIS की मदद से हम 2025 के एलिजिबिलिटी में शामिल हो सकते हैं, ये हम अगले स्लाइड में आपको बताने वाले हैं। ये NIS का एग्जाम है जिसमें एक सेक्शन होता है पार्ट एडमिशन का और दूसरा होता है फ्रेश एडमिशन का। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों चीज़ें समझनी पड़ेगी कि जब हम पार्ट एडमिशन की बात करते हैं तो आपका अभी तक का जो पार्ट एडमिशन का सिस्टम था, चाहे वो अक्टूबर 2024 का हो जिसका ऑलरेडी सेशन आउट हो चुका है, या फिर हम जुलाई से सितंबर के ऑन डिमांड की बात करें वो भी बिल्कुल एंड ही हो चुका है, तो अब जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारा है जनवरी से मार्च का ऑन डिमांड का। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इसका जो रिजल्ट है ना वो काफ़ी डिले आने वाला है, और जब तक इसका रिजल्ट आएगा तब तक बहुत डिले हो जाएगा। यानी जब आप नीट का फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आप अपने मार्क्स को नहीं शो कर पाएंगे, और ये आपके लिए किसी काम का नहीं रहने वाला है। इसीलिए अब इस चीज़ का दिमाग हटा देते हैं। हाँ, अगर आपको 2026 में देना है तो आप यहाँ पर आके सिंगल सब्जेक्ट बायोलॉजी के एग्जाम देकर अपनी एलिजिबिलिटी बना सकते हैं। आज की डेट का सिनारियो ये है कि आपको अप्रैल 2025 की ओर मूव करना चाहिए, क्योंकि जब आप नीट का फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर अपेयरिंग शो कर दोगे। इससे फ़ायदा ये हमें होगा कि आपको एक टाइम मिल जाएगा अपने कॉलेज में इस रिजल्ट को देने का। अब देखिए, आपके मन में कई तरह के सवाल आएंगे, जैसे कि अब सर अगर हम मान लो 12th पास थे, हम 4 सब्जेक्ट तक का एग्ज़ाम दे रहे थे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था, बिल्कुल सही वे में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सर आप जो बोल रहे हो वो ये बोल रहे हो कि हम 12th पास हैं, या मान लो 12th फेल है, उनका कोई दिक्कत नहीं, वो TOC यहाँ पर करवा लेंगे, चलो उनका तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप 12th पास हैं, केवल हमारे पास बायो नहीं है, तो कहाँ तक सही है कि हम 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दें? यहाँ तो केवल हमें एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना था और हमारा काम हो जा रहा था, है कि नहीं? एक हमारे पुराने बोर्ड का और एक NIS का। लेकिन इस केस में सर आप तो गलत बता रहे हो, मतलब गलत मतलब ये कि हमें तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट, आपके पास ना कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। अब अगर आप सिंगल सब्जेक्ट ही देना चाहते हो तो NEET 2025 का सपना छोड़ दो, फिर आपको NEET 2026 में आना पड़ेगा। अगर आप NEET 2025 में आना चाहते हैं तो एक पेन एक दर्द लेना पड़ेगा, और लास्ट ऑप्शन आपके पास है अप्रैल 2025 का, जिसका डेट अभी बस एंड ही होने वाला है। जितना जल्दी हो सके आपको एनरोल करना चाहिए, ये आपके पास लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। एक नज़र देख लेते हैं हम लोग अप्रैल 2025 के बारे में। देखिए, अगर हम अप्रैल 2025 के बारे में बात करें, इसका जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर रहने वाला है। अगर मान लो NIS बोर्ड की तरफ से कोई डेट एक्सटेंड होता है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सितंबर से आगे कोई डेट जाएगा, तो आपके पास ज़्यादा समय
है ही नहीं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं बता दूं, इसका जो फ़ी है वो 2 से 3 हज़ार रुपये है, जो अभी आपको लगेगा, डिपेंड करता है आप जैसे ST SC से कोई आता है उसका कम पैसा लगेगा है कि नहीं, जो जनरल OBC से है थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट 3 हज़ार के अंदर में ही आपका हो जाएगा। TMA आपका नवंबर दिसंबर में जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं जो आपके परसेंटेज को बूस्ट कर देता है। इसके अलावा एग्जाम फी की बात करें, नवंबर दिसंबर में सबमिट होगा, और ये एग्जाम फी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार बच्चे एग्जाम फी भरना भूल जाते हैं, फिर वो एग्जाम ही नहीं दे पाते हैं, ये गलती आप मत करना। इसलिए हम आपको स्टार्टिंग में ही बता रहे हैं कि अप्रैल 2025 में आने से पहले कुछ चीज़ें दिमाग में लेकर चलना, और इसके कुछ PCP क्लासेस होते हैं जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के होते हैं, वो फरवरी में होता है, और इसका मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ, आपको जनवरी के एंड तक अपने स्टडी सेंटर को कॉन्टेक्ट कर लेना पड़ेगा कि वो शेड्यूल कैसे बना रहे हैं। तो ये कुछ सिनारियो सिस्टम है हमारा अप्रैल 2025 का, जिसमें आपको बुक्स भी मिलता है, असाइनमेंट के नंबर भी मिलते हैं, और बहुत आसानी से आप अपने एलिजिबिलिटी को बना पाते हैं। अब हम आपको लेके आना चाहेंगे उन सवालों पे जो सवाल हमने स्टार्टिंग में आपको बोले थे। सबसे पहले पॉइंट की हम डील करना चाहेंगे, क्या NIS बोर्ड की वैल्यू है? जी हाँ, भारत सरकार द्वारा संचालित पिछले 34 सालों से सक्सेसफुली रन कर रहा लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, और क्या चाहिए आपको, टॉप 3rd बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसा बोर्ड जो मान्यता प्राप्त है, 3rd नंबर पर है। तो इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा होता कि इसकी वैल्यू है या नहीं है, आप टेंशन फ्री होके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इन MBBS, देखो अगर नीट यहां पर एक्सेप्ट कर रहा है, आपका नीट एक्सेप्ट कर रहा है यहां पर, तो नो डॉट MBBS में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बहुत आसान तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। एब्रॉड एजुकेशन, मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जो हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, इवन सिंगल सब्जेक्ट बायो का पेपर दिया है, मैंने उनको देखा है एब्रॉड में एजुकेशन लेते हुए और पढ़ाई करते हुए। सो एब्रॉड एजुकेशन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम 12th अगेन रिपीट कर रहे हैं, तो कई टीचर या कई यूट्यूबर्स बोलते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बाद में जाके आपका डॉक्टरी की लाइसेंस खत्म हो जाएगा, लाइफ ही हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, चाहे वो जोसा काउंसलिंग, IIT JEE का मामला हो या नीट वाला मामला हो, NIS बोर्ड क्या कहता है कि अगर आप 12th पास हैं तो आप 4 सब्जेक्ट से ज्यादा का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। हेलो, मैं NIS बोर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा हूं, लेकिन NIS बोर्ड के हमने हेड ब्रांच में कॉन्टैक्ट किया और ये जानकारी लिया कि सर अगर कोई विद्यार्थी 12th पास है और मान लीजिए किसी मजबूरी की वजह से वो फिर से 12th देता है, तो क्या आप उस पर एक्शन लेंगे, क्या उसके रिजल्ट या उसके बाकी चीज़ों को आप इनवैलिड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे? उनका स्टेटमेंट था कि देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी जगह है, बट कोई स्टूडेंट ऐसा करता है हम कोई ऐसा एक्शन लेने वाले नहीं है, लेकिन अपनी प्राइवेसी आप अपने तक रखिए। अब देखिए मान के चलिए कोई आपका ऐसा दुश्मन हो जाए जो कहे भले 1 करोड़ रुपया खर्च हो, लेकिन हम NIS बोर्ड पर केस करेंगे कि जी आपका ये विद्यार्थी है और ये विद्यार्थी ऐसे कैसे कर गया, तो फिर NIS बोर्ड को अपने बचाव में एक्शन लेना पड़ सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि आपके पीछे कोई लाखों रुपया फूकेगा और आपको घसीटते हुए सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा, ये मामला कहीं नहीं आएगा। बहुत लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, बट फिर भी ये आपका निजी सोच है, आपका खुद का डिसीजन है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लाखों विद्यार्थी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और टेंशन फ्री होकर आगे बढ़ेंगे, इस लिस्ट में आप भी आ सकते हैं। और मैं यही सजेस्ट करूंगा, चाहे बड़े बड़े आप देख लीजिए एजुकेटर PW या बाकी जगह देख लीजिए, जहां भी आप देख लीजिए कहीं भी कुछ खतरा होता, सबसे पहले वो रेड अलर्ट में आपको डालते हैं, उन्हें पता है कि चीजें नॉर्मल है, बच्चे कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़िए, किसी की बातों में आकर अपने माइंड को डिस्टर्ब ना करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम थी होने होगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम काउंसलिंग में नहीं होने वाला है, आप अपना रिजल्ट सही रखिए, मेहनत कीजिए और जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो केवल लाके दे दीजिए। अब मौका है आपको NIS में सही तरीके से इनरोल करने का। आज की डेट में NIS में एक नया स्कैम चल रहा है, और वो स्कैम चल रहा है आपके ईमेल आईडी को हैक करने का। कैसे ईमेल आईडी हैक करते हैं, बहुत सिंपल बता दे। देखिए NIS बोर्ड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आपको रजिस्टर करती है, तो जितने भी डिटेल्स होते हैं सारा आपके ईमेल आईडी पे भेज देती है, चाहे वो पेमेंट का हो, OTP हो, ये हो, वो हो। स्कैमर्स को अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर हमने विद्यार्थी का ईमेल आईडी ले लिया तो हम उनसे 1 रुपया फालतू नहीं ले पाएंगे, ना विद्यार्थी हमें देंगे। इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, वो आपका ईमेल आईडी हटाकर अपनी ईमेल आईडी यहां डाल देते हैं, और यहां से स्टार्ट होता है ब्लैकमेलिंग, जहां से आपको 10,000 से लेकर 50,000 या लाखों रुपए तक आपको एंट लेते हैं और आपको पता तक नहीं चलता है। तो आपको बचना होगा, या तो आप खुद से रजिस्टर कर लो, या साइबर कैफे से करवा लो, या बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूं आप हमारी टीम से करवा सकते हो। इसके लिए हमने 2 नंबर यहां पर दिए हैं, एक नंबर यहां पर शो कर रहा होगा 7654088391, इस नंबर पर कोई कॉलिंग नहीं होगी,
कोई डाउट आपका क्लियर नहीं होगा। ये नंबर केवल और केवल ये डॉक्यूमेंट रिसीव करने के लिए बनाया गया है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको भेजना है अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपके मार्कशीट, टेंथ के मार्कशीट का फोटो, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सेंड कर देना है। आपको बताना है कि हमें अप्रैल 2025 में फ्रेश एडमिशन लेना है, डेट्स ऑल। आपको टीम वहाँ से रिप्लाई देगी, आपको एक मोड भेजेगी जहाँ हम टीम सर्विस चार्ज 1000 लेते हैं, एकदम ईमानदारी से 100% ट्रांसपेरेंसी। 1000 रुपये में हम आपके रजिस्ट्रेशन से लेके आपके मार्कशीट आने तक पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। बाकी बाद में जितने भी पेमेंट होते हैं, जैसे अभी रजिस्ट्रेशन का जो पेमेंट जाएगा आपका 2 से 3 हज़ार रुपया, वो आप पे करोगे, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी ना, ईमेल आईडी आपके पास, सब कुछ आपके पास, तो इतनी ट्रांसपेरेंसी केवल यहीं आपको मिलता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर मान के चलिए आपके मन में कोई डाउट आ जाता है, आपको लगता है कि सर जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमने एक नंबर और यहां दिया 9289377247, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। अगर डाउट सबका क्लियर हो चुका है तो इमीडिएटली अपने प्रोसेस को फॉलो कीजिए और एनआईएस में सही तरीके से एडमिशन लीजिए, ताकि आप आगे बढ़ें और बढ़ते हुए क्रम में कोई दिक्कत ना हो। कुछ और जरूरी सूचना, हमने कुछ और नंबर्स दिए हैं, ये एडमिशन का है जो हमने आपको बताया, ये जनरल इंक्वायरी का है और ये स्टडी मटेरियल का है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको एडमिशन का लेना है तो केवल इसी पे कॉन्टेक्ट करें, इन दोनों पे ना करें, कोई रिप्लाई फिर आपको नहीं मिलेगा। हमारा ऑफिस टाइमिंग है 10 से लेकर 6 बजे तक और संडे क्लोज होता है। आई होप आज का ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा और आज के सेशन में आपके माइंड में जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे और आप सही तरीके से मेहनत करके अपने सपने को पूरा कर पाएंगे और नीट 2025 को क्रैक कर पाएंगे। तो मिलेंगे एक नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। तब तक ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ें और जो भी पॉसिबल सपोर्ट हमारे फ्री सर्विस का उसका लाभ उठाते रहें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।